नमस्कार दोस्तों, डी एस सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस एंटीना के बारे में। ये क्वेश्चन आपको एस के एम एस सी फिजिक्स सेम टू का पेपर 5th में जस्ट पिछले साल आया था, तो इस साल इसका आने का चांसेस कम है, तो भी आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आप डायरेक्ट एग्जाम में अगर आता है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2023 में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 2024 में इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, तो डिस एंटीना जनरली आप लोग ने घर में देखना देखा ही होगा सबको। ये पैराबोलिक शेप का होता है, ठीक है, तो इसे पैराबोलिक एंटीना भी बोलते हैं। तो चलिए, तो ए डिस एंटीना और ए पैराबोलिक एंटीना इज एन एंटीना डैट यूज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टर के रूप में जो यूज होता है वो पैराबोलिक शेप का होता है, ठीक है। ए कर्व सरफेस विद द क्रॉस सेक्शन शेप ऑफ ए पैराबोला टू डायरेक्ट द रेडियो वेव, ये रेडियो वेव को डायरेक्ट करता है जो ये एंटीना डिस एंटीना, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज शेप लाइक एक डिस्क, इसका जो शेप होता है वो एक डिस्क की तरह होता है, ठीक है, एंड इज प्रोबेबली कॉल्ड ए डिस एंटीना, और इसलिए ये पॉपुलरली इसको इसलिए डिस एंटीना बोलते हैं। तो डिस एंटीना जो देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये ड्राइविंग एलिमेंट सफ़ेद सफ़ेद जो देखे होंगे, ठीक है, इसको ड्राइविंग एलिमेंट बोलते हैं। यहीं से सिग्नल निकलता है या रिसीव होता है, ठीक है। तो ये फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और ये पैराबोलॉइड इसको बोलते हैं पूरा। इसका कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए माइक्रोवेव एंटीना, इसका रेंज जो होता है 1 MHz तक होता है, सुटेबल फॉर रेडियो और वायरलेस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका गेन काफ़ी हाई होता है और नैरो ब्रांड विथ होता है इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, तो ये काम कैसे करता है। अच्छा, ये इसका शेप क्या है, पैराबोला, तो ये पैराबोला का जो प्रिंसिपल वो उसको फॉलो करेगा ही। तो पैराबोला 11-12 में हम लोग पढ़े होंगे, 11-12 में, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स जैसे फोकस से रे निकला, रिफ्लेक्टर में टकराया, ठीक है, जो कर्व एक्सिस है वहाँ से टकराने के बाद मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहाँ FP1 प्लस P1D1, ये जो दूरी होगा जैसे कि FP2 और D2, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ लिख के भी क्वेश्चन में दिखाए हैं कि FP1 प्लस P1D1 ये बराबर होगा FP2D2। इससे फ़ायदा क्या है, जैसे कि ये जो फोकस है वहाँ से जैसे सिग्नल निकला वहाँ से, ठीक है, तो ये पैराबोला शेप का है, तो जैसे टकराएगा तो सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले तो सिग्नल निकला, चारों ओर फैलेगा, तो ये पैराबोला एक्सिस के अलग अलग पोजीशन टकराएगा। टकराने के बाद ये डायरेक्ट्रिक्स पे सारा सिग्नल एक ही टाइम पे पहुंचेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा सबका, सिग्नल डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो सिग्नल निकला था वो हमेशा सेम फेज में रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स से जब ये आता है, मान लेते हैं यहाँ पर सेटेलाइट रहता, क्योंकि हम फोकस कहाँ करते हैं, सेटेलाइट की ओर करते हैं, जैसे कि सेटेलाइट पहुँचा तो सिग्नल का फेज सेम होगा। अगर फेज सेम है तो वो सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ये इसका फायदा है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद भी। जैसे कि ऑल द वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फोकस, फोकस जितना वेव निकलेगा रिफ्लेक्टेड बैक टू द पैराबोलिक एक्सिस, पैराबोलिक एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगा। Hence all the wave reaching the aperture are in phase, तो जितना भी वे निकलेगा सारा वो क्या होगा, सेम फेज में होगा। इन फेज मतलब वही हो गया, एज द वेव आर इन फेज, सारा वेव सेम फेज में रहेगा। द बीम ऑफ रेडिएशन अलॉन्ग द पैराबोलिक एक्सिस विल बी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो सारा बीम क्या होगा, काफ़ी सिग्नल जो स्ट्रॉन्ग होगा और कॉन्सेंट्रेटेड होगा। फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए पैराबोला, तो इफ़ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल एंड द सिग्नल फ्रॉम द फील्ड कम आउट टू ए डाइपोल और ए हॉर्न एंटीना टू फोकस द वेव ऑन द पैराबोला, इट मीन दैट द वेव कम आउट द फोकस पॉइंट एंड स्ट्राइक द पैराबोला रिफ्लेक्टर। This wave now get reflected and collimate wave form. तो हमें यहाँ पे
पहले तो फीड, फीड मतलब फीड उसको बोल रहे हैं जैसे कि वाइट वाला जो हम देखते हैं उसको फीड बोल रहे हैं, फीड नेटवर्क बोल रहे हैं। ठीक है, एफ यहाँ पे फीडर रखा हो रहता है, जैसे फिगर में हम लोग बनाए थे यहाँ पे। ठीक है, उससे जब निकलता है तो रिफ्लेक्टर में टकराता है, टकराने के बाद सारा सेम फेज में जाता है, उसी को बोलते हैं कैलिमेट वेव फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, सेम एंटीना यूज होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के कारण। ठीक है, तो रिसीविंग समय क्या होता है, जितना सिग्नल आया पैराबोला में टकराया, टकराने के बाद सब कहाँ कॉन्सेंट्रेट, फोकस पे होगा। अब फोकस पे मेरा फीडर जो रखा रहता है उसी पर वही रिसीवर काम करता है, तो दोबारा फिर वही रिसीव कर लेता है। ठीक है, इसमें एफ बाई डी रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका वैल्यू 2.25 से 0.5 तक होना चाहिए। ठीक है, और जिसका गेन है वो डिपेंड करता है डी डी बाई लेमडा। अच्छा, यहाँ पे डी क्या है, डी है अपर्चर लेंथ है और लेमडा जो है वो फोकस लेंथ है। ठीक है, और हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के बारे में डिस्कस किए हैं। टाइप में हम लोग दो चार टाइप भी बना देंगे, फिगर तो नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक होता है एक्सिस और फ्रंट टाइप। जो हम लोग घर में देखते हैं वो एक्सिस या फ्रंट फीड होता है, मतलब जो फीडर होता है वो फ्रंट में लगा होता है, वो सेंटर में, तो ऐसे टाइप को बोल देंगे हम लोग फ्रंट फीड एंटीना या एक्सिस। दूसरा क्या आ गया, दूसरा होता है ऑफ फीड। उसमें क्या, जो फीडर होता है वो नीचे होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तीसरा कैस ग्रेन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीडर जो होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वहीं पे लगा होता है, और एक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और फिर ग्रे गोरियन होता है एक एक टाइप का। ठीक है, यहाँ पे यहाँ भी सेम फीडर यहाँ रिफ्लेक्टर में रहता है, ये कनकेव रिफ्लेक्टर हो गया आपका, यहाँ से टकरा कर फिर वो पैरेलल जाता है। अच्छा से समझने के लिए हम यहाँ पे सबका फिगर भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप फिगर देख कर समझ सकते हैं। आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ इसका हमको एडवांटेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, द यूजेज ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर रिड्यूस माइनर लोब्स। दूसरा, इसका गेन काफ़ी हाई होता है और हाई डायरेक्टिविटी, मतलब ये हमेशा सीधा पाथ में डायरेक्शन से कभी भटकता नहीं है। द अमाउंट ऑफ पावर वेस्टेज इज कंपेरेटिवली लेस, इसमें पावर लॉस काफ़ी कम होता है। ठीक है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। द यूजेज ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हेल्प टू प्रोवाइड इजी बीम एडजस्टमेंट, हम लोग बीम को काफ़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज इसका साइज होगा, आपने देखा होगा साइज काफ़ी बड़ा होता है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज हाई, तो इसको लगाना थोड़ा महंगा होता है। द स्मॉल एलिमेंट ऑफ पैराबोलाइड कॉजेज सम अमाउंट ऑफ पावर ऑब्स्ट्रक्शन, तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 3.5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका इसका PDF मैं दे देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो लिखने में इतना मेहनत करनी जरूरत नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।